एंड अभीक्षा, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मिक्स हॉल, बिकॉज क्या हो रहा है, आई डोंट नो क्यों मेरे पार्सल्स बहुत ज़्यादा डिले हो रहे हैं, मतलब मुझे टुकड़ों में चीज़ें रिसीव हो रही हैं। सो इसीलिए मुझे ये टुकड़ों वाला वीडियो बनाना पड़ रहा है, क्योंकि ना मैंने बहुत अलग अलग सेलर से ऑर्डर प्लेस किया। तो कुछ सेलर ऐसे होते हैं जो कि आपका ऑर्डर ना एक ही दिन में डिस्पैच कर देते हैं, कुछ होते हैं जो कि दो तीन दिन में डिस्पैच करते हैं। सो उस वजह से ना काफ़ी ये मिक्स एंड मैच वाला हॉल होने वाला है। सो आई जस्ट होप कि आपको ये वीडियो थोड़ा सा हेल्पफुल लगेगा। अगर हेल्पफुल लगता है तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा। तो ज्यादा बातें नहीं करते, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो आज का जो वीडियो होने वाला है ये होने वाला है मीशो का कलेक्टिव हॉल। तो अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देती हूँ, मीशो जो इंडिया का नंबर वन रिसेलिंग ऐप है, कैसे यूज करना है ये बाद में बताऊंगी, पहले बता देती हूँ कि मैंने क्या क्या चीजें ली है, क्योंकि काफी सस्ती जो सबसे पहली चीज मैंने ली है वो ली है ये ब्यूटीफुल सा टॉप, जो कि आप देख रहे हो काफी कटा पिटा सा टॉप है। सो ये ब्यूटीफुल सा टॉप मैंने लिया है जो कि वी नेक है, यहाँ से ये पूरा लॉक है, ये क्रॉप टॉप है, मतलब छोटा सा सिर्फ यहीं तक है, मैं आपको यहाँ पर क्लिप लगा दूंगी, आप देख लेना। सो मुझे अच्छा लगा, इसकी क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है, स्टफ भी काफी अच्छा है, मतलब सॉफ्ट है, पहनने पे चुभ नहीं रहा है, सबसे अच्छी चीज ये है, एंड रिवीलिंग नहीं है। मुझे क्या लगा था इमेज में कि ये ना बहुत डीप आएगा, बट यहाँ पर ना ये हुक लगा हुआ है, हुक नहीं है, ये स्टिच हुआ है, तो इस वजह से ना कि कुछ भी दिखेगा नहीं हो, एंड यहाँ पर ये थोड़ा सा कटा है तो थोड़ी सी स्किन यहाँ पे दिख रही है, एंड यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये बटन लगाना भूल गए, तो ये आई गेस बटन लगाना भूल गए कि ऐसे है ही, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि ऐसा क्यों है, बट जो भी है अच्छा है। मुझे एक्चुअली क्या है ना, मुझे कपड़ा पहन के बहुत अच्छा लग रहा है, काफी कंफर्टेबल फील हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि हाँ ठीक है, मेरे लिए सही है। सो दिस इज द फर्स्ट टॉप जो कि मैंने मंगाया है मीशो से। टॉप मैंने बहुत सारे मंगाए हैं, आपको पता होगा, आपके साथ शेयर भी किए हैं, इस बार ना मैं टॉप वगैरह काफी ज्यादा मंगा रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा ट्रैवल करने का सोच रही हूँ। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉप जो कि मैंने मंगाया है, ये ब्यूटीफुल सा, ये ना मीशो पे इतना ज्यादा छाया हुआ था, मुझे लगा भाई साहब ये तो बड़ी अच्छी चीज होगी, इतनी जगह दिख रही है तो मतलब अच्छी चीज होगी। सो ये एक ऐसा टॉप है जो कि ऑफ शोल्डर है, एंड इसमें से स्लीव्स यहाँ से बाहर निकल रही हैं, इधर यहाँ से बाहर निकल रही हैं, तो अच्छा टॉप है, ओवरऑल मुझे अच्छा लगा। ये सिंपल सा टॉप आप देख सकते हो, ऐसा फ्रिल वाला है, इसका जो कपड़ा है, कपड़ा इज पॉलिस्टर का कपड़ा है, थोड़ा सा लीजी बीजी वाला कपड़ा नहीं होता वैसा है, तो ओवरऑल अच्छा लगा। आप जरूरी नहीं आप इसको ऑफ शोल्डर पहनो, आप चाहो तो इसको ऊपर से पहन सकते हो, मैं एक क्लिप यहाँ लगा दूंगी, आप देख लेना कि कैसा लग रहा है। जितने भी टॉप है ना सारे सस्ते टॉप है, अगर आपको बहुत ज्यादा वेस्टर्न नहीं पहनते, जैसे मैं बहुत ज्यादा वेस्टर्न नहीं पहनती, तो मुझे ना सस्ते टॉप ही चाहिए होते हैं, क्योंकि कभी कभी अपन ने पहन लिया तो पहन लिया, वरना तो वो अलमारी में ही बंद रहेंगे, तो इसीलिए ना बहुत ऐसा रेयर वाले लेती हूँ, बाकी डिसेंट वाले वेस्टर्न तो मैं लेती रहती हूँ। सो ये था मेरा दूसरा टॉप जो कि पीच कलर में है, इसमें बहुत सारे कलर्स अवेलेबल हैं, आप देख लेना आपको कौन सा कलर पसंद है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉप जो कि मैंने मंगाया है ये वाला, ये ना इमेज में बहुत सुंदर लग रहा था, वो प्रॉपर वैसा लग नहीं रहा जैसे सामने से आया, इसका कपड़ा मुझे नहीं पसंद आया, मैं सच बताऊं मुझे लगता है कि इसका जो कपड़ा है ना थोड़ा सा जॉर्जेट या शिफॉन का होगा, बट ये पॉलिस्टर ही है, अगेन बहुत सरकने वाला कपड़ा, ऐसी शर्ट सी है ये, देख सकते हो आप, इसको मैं शायद आपको पहन के नहीं दिखाऊंगी बिकॉज ये मुझे थोड़ा सा ना कम समझ में आ रहा है। तो ये एक ऐसा सा टॉप है, इमेज में लगा दूंगी, काफी रंग बिरंगा सा कलर इसमें दो तीन थे, तो आप देख लेना। मीशो पता है अपडेट भी हुआ है, तो अपडेट होने के बाद काफी चीजें अच्छी हो गई, जैसे कि मान लो मैंने आपको ये टॉप दिखाया, इससे सिमिलर जितने टॉप होंगे ना सारे नीचे बन के आ जाएंगे, तो ये चीज बड़ी अच्छी हुई। सो ये ब्यूटीफुल सा टॉप है आप देख सकते हो, जो कि कपड़ा नहीं अच्छा है बाकी लुक वाइज अच्छा है, कपड़ा इसका नहीं अच्छा है तो मैं वो क्लियरली बता देती हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगा पर्सनली, काफी से ना फिसलने वाला सरकने वाला टाइप का कपड़ा है, बाकी लुक वाइज तो अच्छा लग रहा है। लेट मी जस्ट शो यू द कुर्ती, जैसे डेनिम कुर्तीज नहीं होती वैसा लुक है इसका, तो ये डेनिम की कुर्ती है ब्लू कलर की, ये देख सकते हो आप ऐसी पूरी कुर्ती है, अच्छी लग रही है, ओवरऑल बहुत सुंदर है। इसमें जो ये साइज है ये है 38, डेनिम की कुर्ती है, तो आप डेफिनेटली ऐसी कुर्ती ले सकते हो पहनने के लिए, काफी अच्छी लगेगी। ये मैंने दीदी के लिए मंगाई है, दीदी को बस ये अच्छी लगे, फिट आ जाए तो फिर तो बल्ले बल्ले है, तो बहुत सुंदर सी लग रही है। इसका जो कपड़ा है ना वो डेनिम ही है अगेन, बट पतला वाला डेनिम है, ऐसा पतला बहुत मोटा वाला डेनिम नहीं है कि जिसमें आपको गर्मी लगेगी, तो ये चीज़ बहुत अच्छी है, बहुत ही प्यारा सा मतलब कुर्ता है ये, आप डेफिनेटली ऐसा कुर्ता ले सकते हो, बहुत सुंदर लगेगा आप जहाँ भी पहन के जाओगे, अगर वाइट पैंट वगैरह के साथ पहनते हो ना तो बड़ा ही खूबसूरत लगेगा। सो डेफिनेटली आप ऐसा कुर्ता ले सकते हो, इसकी मैं इमेज यहाँ कहीं लगा दूंगी, क्योंकि दीदी के लिए लिया है तो मैं पहन के क्या दिखाऊँ, तो मैं इमेज यहाँ कहीं लगा दूंगी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट जो कि है ये ब्यूटीफुल सी साड़ी,
और ये इतनी देर में आई है, मैंने साड़ी का वीडियो बना दिया, अभी ये साड़ी रिसीव हुई है। मुझे बहुत सुंदर लगती हैं ऐसी साड़ियाँ जो ये जो ऐसी होती है ना पोलका वोलका वाली, थोड़ी सी फ्लावर वाली, तो ये बहुत सुंदर सी कॉटन की साड़ी है, धोती टाइप की, एंड इसे फूल बने हैं बड़े ही खूबसूरत खूबसूरत। तो डेफिनेटली आप ये वाली साड़ी ऐसे ले सकते हो, बहुत ही प्यारी लग रही है। कॉटन की साड़ी है, इमेज लगा दूंगी, पूरी खोल के दिखाने का कोई मतलब नहीं। पूरी साड़ी ऐसी है, जो ब्लाउज है वो है पिंक कलर का, तो पहले बता दूँ इसके साथ पिंक कलर बहुत कॉम्प्लीमेंट करेगा। बस इसमें जो ये पॉम्पम लगे हैं ना, काफी न्यू लग रहे हैं, काफी ज्यादा मतलब ट्रेंडी लग रहे हैं, तो ये साड़ी को ना काफी ज्यादा अलग बना रहे हैं, जैसे ये है ना उससे अलग बना रहे हैं। सो डेफिनेटली आप ले सकते हो, ऐसी साड़ियां भी बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, सो टॉकिंग अबाउट लास्ट प्रोडक्ट जो कि है ये आ भी गया, मैंने इसको पहन भी लिया, खूब यूज भी कर लिया। सो ये मैंने फुटवेयर मंगाए थे, ग्रीन कलर के वेलवेट के फुटवेयर हैं, एंड इसका ना ये हल्का सा वेलवेट निकल गया, बारिश में पहन के मैं चली गई थी, तो ये प्राइस वाइज तो सही है, अच्छे हैं, और हील इनकी मुझे बहुत कंफर्टेबल लगी, तो मैं ऐसा ना एक और ऑर्डर करने वाली हूँ। ये मतलब अभी घर में पहनने के लिए तो काम चल जाएगा, बट मैं ऐसा जरूर ऑर्डर करूंगी, मुझे ना समझ में आया ये, मतलब अच्छा लगा पहन के कि चलो कंफर्टेबल है, और मैंने इसको पहना बहुत है, मतलब मैंने बहुत पहना इसको, जब से आया ना मैं इसको पहन ही रही हूँ, क्योंकि ना बाकी चीजें आई नहीं थी उनके चक्कर में ना इसको मैंने बहुत पहन डाला, तो ये पुराना हो गया, बाकी चीजें नहीं रह गई। सो ये ऐसे फुटवेयर ना मीशो पे बहुत ही अच्छे अच्छे हैं, तो आप अच्छे से ना सर्च कर लेना, स्क्रॉल कर लेना, उसके बाद आप डेफिनेटली ऐसा फुटवेयर भी ले सकते हो। सो यार दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, आई जस्ट होप कि ये छोटा सा वीडियो आपके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल रहा होगा, अगर रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर नहीं रहा तो कोई बात नहीं, नए वीडियोज के साथ, क्रिएटिव आइडियाज के साथ, नई नई चीजों के साथ मैं आपसे दोबारा मिलती हूँ, तब तक के लिए लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय। तो आपको बस मीशो ऐप को अपने फ़ोन में डाउनलोड करना है, उसके बाद मीशो का ऐप खोलना है, वहाँ पर आपको जो भी चीज़ पसंद आ रही है उसको आपको अपने सिंपली अपने कार्ट में ऐड करना है। अगर किसी के लिए आपको ऑर्डर भी करना है तो भी आपको सेम प्रोसेस करना है, कार्ट में ऐड किया आपने, जो भी मोड आपको सेलेक्ट करना है पेमेंट का वो सेलेक्ट कर लीजिए, इसके बाद यहाँ पर मार्जिन ऐड करने का ऑप्शन आएगा, तो अगर आप किसी को बेच रहे हो तो आपको जितना प्रॉफिट कमाना है 100, 150, 200 उतना आप बढ़ा के यहाँ पर ऐड करोगे, अगर खुद के लिए खरीदना है तो सेम आप ऐड करके अपनी शॉपिंग जो है वो कंप्लीट कर लोगे। और मीशो जो है अपने स्टाफ के सैनिटाइजेशन का हेल्थ का पूरा ध्यान रखता है, मीशो से आप सारी चीज़ें बहुत ही सेफली खरीद सकते हो।